खबर है उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सपा में मची भगदड़ के बीच मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बयान का समर्थन कर सबको चौंका दिया है। डॉक्टर एसटी हसन ने मुरादाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन करते हैं और देश में 3 बच्चों का कानून बनना चाहिए, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत हो चुकी है, इसलिए अब कुछ समय के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना ही चाहिए। सपा सांसद के इस बयान को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कितना पसंद करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखिए, कुछ क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी थी, उसके बारे में भी हमने अवगत कराया SSP साहब को, और एक समस्या ऐसी थी जिससे कि पूरे शहर का माहौल खराब हो सकता था। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह के कमेंट्स अपने सोशल मीडिया पर करे जिससे कि दूसरे एक संप्रदाय को उनकी फीलिंग्स आहत होती हैं और उस संप्रदाय के अंदर एक रोष हैगा। उस सोशल मीडिया के तमाम कमेंट्स को पढ़कर SSP साहब को उस बात से भी अवगत कराया है, और SSP साहब ने फौरन ही एक्शन लेते हुए इसको साइबर क्राइम सेल के अंदर भेज दिया है पूरी इंक्वायरी होके। जिसने भी ये काम करा है उसको कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। देखिए, वो खुद इसका एनालिसिस करेंगे, भावनाएं आहत हुई हैं पूरी कम्युनिटी की। जनरलाइज वे में लिखा गया है एक पूरे संप्रदाय को, इसलिए हम तो यही समझते हैं कि मुकदमा भी कायम होगा और जिसने भी ये करा है उसको उसकी सजा भी मिलेगी। नहीं, हमने नहीं लिखा किसी के बारे में। मेरी पर्सनल राय ये है कि 2 तो नहीं लेकिन 3 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के सिर्फ 2 लड़के होते हैं, तीसरी लड़की चाहता है वो, या 2 लड़की हैं, 1 लड़का भी चाहता है, तो इतनी इजाज़त मिलनी चाहिए। और ये पॉलिसी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त देश की जनसंख्या अपने सेचुरेशन के ऊपर है, देश के संसाधन अपने सेचुरेशन के ऊपर हैं, कुछ वक्त के लिए ऐसे कानून बने जिससे कि इस पर रोक लगे, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। परमानेंट बनाने पर ऐसा ना हो जैसे कि चीन में हुआ कि चीन एक बूढ़ा कंट्री बन गया, वहाँ बूढ़ों की तादाद बहुत हो गई। कुछ समय के लिए बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे, मेरी पर्सनल राय। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज वहाँ प्रयागराज के ये तो आप देख ही रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से क्या हो रहा है। सुबह को अखबार पढ़ने के बाद ज़्यादातर लोगों का मूड ख़राब हो जाता है। हत्याएं, रेप, चोरी, डकैतियाँ, चेन स्नैचिंग, कोई ऐसा अपराध नहीं है जो नहीं हो रहा हो, और ऐसा लगता है कि अब कानून का डर अपराधियों के दिमाग से निकल चुका है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। और अपराध की जब बात की जाती है तो सरकारें सांप्रदायिक मुद्दों को लाकर लोगों का ध्यान भटका देती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।